हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आप शॉर्ट्स वीडियो आप अपलोड करते हैं, इसका वॉच टाइम काउंट होता है या नहीं। तो आज पूरी वीडियो इसी टॉपिक पर है, तो आपको आज बताऊंगा कि शॉर्ट्स वीडियो की वॉच टाइम काउंट होते हैं या नहीं। जो आप वीडियो अपलोड करते हैं उसका वॉच टाइम बिल्कुल काउंट नहीं होता। YPP एलिजिबिलिटी के लिए ये वॉच टाइम काउंट बिल्कुल नहीं होता। मतलब करंट वीडियो जो आप लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं, इसका ही वॉच टाइम काउंट होता है, बाकी कुछ भी वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। तो YouTube की तरफ से यही एक प्रॉब्लम है कि शॉर्ट्स वीडियो के वॉच टाइम काउंट नहीं होते। लेकिन आपको बताऊंगा कि कैसे वॉच टाइम आप काउंट कर सकते हैं। शॉर्ट्स वीडियो को भी होते हैं वॉच टाइम काउंट, लेकिन आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी पूरी। नीचे दिया हुआ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए, बाजू वाला बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। इससे हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आते ही रहते हैं, और ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये बिल्कुल फ्री होता है, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप वॉच टाइम गेन कर सकते हैं। शॉर्ट्स वीडियो के भी वॉच टाइम गेन होते हैं, लेकिन इसका एक ट्रिक है। जो आप वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ पर जो अपलोड करके वहाँ पर जो आता है वहाँ पर एंटर टाइटल करके आता है, आप टाइटल कुछ भी टाइटल डालिए और आगे एक ऑप्शन आता है आपको सेट एज प्रीमियर करके आता है। कुछ लोगों का आता है, कुछ लोगों का नहीं आता, लेकिन ये आना चाहिए, आता है। लेकिन सेट एज प्रीमियम करके आप अपलोड कीजिए। इससे एक फ़ायदा आपको ये मिलता है कि वॉच टाइम गेन होता है, मतलब ब्राउज़र फ्यूचर यहाँ पर आ जाता है। मतलब ये सिर्फ शॉर्ट के फील्ड में नहीं जाता, ब्राउज़र के फील्ड में जाता है कि यहाँ पर वॉच टाइम गेन होने का यही एक ट्रिक है कि आप सेट एज प्रीमियम करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इतना ही था शॉर्ट्स वीडियो का। शॉर्ट्स वीडियो काउंट नहीं होते, लेकिन अभी जो मैंने ट्रिक बताया है इसके हिसाब से आप वीडियो करेंगे तो बिल्कुल शॉर्ट्स वीडियो काउंट होता है। सभी का हो रहा है, आपका भी होगा। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।